हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर एक छोटा सा यूज लेकर आया हूँ। यू कैन आस्क विद मी सर कि आप ऑलवेज क्या करते हैं, बस छोटा छोटा यूज ही बताते हैं या एक ही यूज एक वीडियो में अपलोड करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जो भी आप यूज पढ़ें उस आपका सॉलिड हो जाए। यू कैन नॉट फॉरगेट नेवर, कि मतलब आप कभी उसको भूल ना पाएँ। इस तरीके से आप जो यूज पढ़ें उसको अच्छे ढंग से आपके माइंड में हो जाए। इसलिए आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक यूज है एट वंस। एट वंस का मतलब क्या होता है? तुरंत। जैसे अगर कहा जाए तुम तुरंत यहाँ से जाओ अपना काम करो, तुम्हें तुरंत उसे यहाँ बुलाना चाहिए, वह तुरंत यह काम कर सकता है, मैं उसे तुरंत बात करूँगा। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने हिंदी आएगा तो हाउ विल यू कन्वर्ट इन इंग्लिश ऑल दीज सेंटेंसेस, तो मैं आज इसी पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। एट वंस, एट वंस का मतलब क्या होता है? तुरंत। जैसे तुरंत यहां से जाओ और अपना काम करो, ठीक है? तुरंत यहां से जाओ अपना काम करो। अब पूछा जाए कि विच इज द सेंटेंस, यह इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस है क्योंकि यह आदेश दिया जा रहा है तुरंत यहां से जाओ अपना काम करो। क्या होगा? गो, गो मीन्स जाना। अब तुरंत का क्या होगा? एट वंस, यहां से, फ्रॉम हियर, और अपना काम करो। एंड डू योर वर्क, तुरंत यहां से जाओ अपना काम करो। देखिए सेकंड, वह तुरंत यह काम करने वाला था। देखिए वह तुरंत यह काम करने वाला था, वाला वाली वाले अबाउट टू का यूज, तो ही था के लिए क्या लगाएंगे? वाज, वाला वाली के लिए अबाउट टू। अब डू दिस वर्क, तुरंत एट वंस। मैं तुरंत उसे समझा सकता हूं। अब देखिए मैं तुरंत उसे समझा सकता हूं, सकना, दिस इज ए यूज ऑफ कैन। आई कैन समझाना, कन्विंस उसे, हिम, तुरंत, एट वंस। क्या वह तुरंत इस कार्यक्रम में भाग लेगा? क्या वह तुरंत इस कार्यक्रम में भाग लेगा? क्या होगा? विल ही, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल सबसे पहले होगा। विल ही भाग लेना, पार्टिसिपेट या टेक पार्ट, टेक पार्ट इस कार्यक्रम में, इन दिस प्रोग्राम, एट वंस, तुरंत, इंट्रोगेशन मार्क। क्या वह तुरंत इस कार्यक्रम में भाग लेगा? विल ही टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम एट वंस। हमने तुरंत इस प्रश्न को हल कर दिया। ठीक है, हमने तुरंत इस प्रश्न को हल कर दिया। दिया एट लास्ट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं अगर अफर्मेटिव रहेगा तो हमने तुरंत इस प्रश्न को हल कर दिया, अफर्मेटिव है, क्या होगा? वी हल कर दिया, सॉल्वड, सेकेंड फॉर्म, वी सॉल्वड दिस क्वेश्चन,
दिस क्वेश्चन तुरंत एट वंस. वी हैव सॉल्वड दिस क्वेश्चन एट वंस. हम अगला देखिए. मैं तुरंत उसे यह काम सौंप दिया. मैं तुरंत उसे यह काम सौंप दिया. यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. सौंपना का अंग्रेजी क्या होता है? अब इसमें सौंपना का होता है हैंड ओवर. मैं तुरंत उसे यह काम सौंप दिया. आई हैंडेड ओवर यह काम है दिस वर्क एट वंस. आई हैंडेड ओवर दिस वर्क एट हिम. सॉरी, आई हैंडेड ओवर दिस वर्क उसे है, इसलिए टू हिम कह दीजिए यहाँ पर. टू हिम इसके बाद एट वंस. आई हैंडेड ओवर दिस वर्क टू हिम एट वंस. देखिए यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसमें फर्स्ट है मैं तुरंत इस बात से सहमत हो गया. सेकेंड है उसने तुरंत मेरे काम में हस्तक्षेप क्यों किया. थर्ड है वह तुरंत आया और मुझे पीटने लगा. फोर्थ है जब मैंने उसे समझाया तो वह तुरंत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगा. यहाँ पर तो लिख सकते हैं क्या आप तुरंत ऐसा काम कर सकते हैं. देयर आर ओनली 5 सेंटेंस और इसको मैं फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो देखिए जिसमें से फर्स्ट है मैं तुरंत इस बात से सहमत हो गया. पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. आई अब एग्रीड भी कर सकते हैं. आई एग्रीड इसके बाद एट वंस दिस मैटर कर सकते हैं. आई बिकेम बिकम माने होना बिकेम एग्री विद दिस मैटर एट वंस. या कह सकते हैं आई एग्रीड विद दिस मैटर एट वंस. यह भी सही है. सेकेंड है उसने तुरंत मेरे काम में हस्तक्षेप क्यों किया. तो why पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए did he interfere. why did he interfere मेरे काम में in my work at once. थर्ड वह तुरंत आया और मुझे पीटने लगा. तो he पास्ट इंडेफिनिट came at once and began to beat me. अब ध्यान दीजिए he came at once वह तुरंत आया and began to beat me मुझे पीटने लगा. जब at last लगा लगी लगे रहे तो began to का यूज होता है. जब मैंने उसे समझाया तो वह तुरंत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगा. जब मैंने उसे समझाया when I convinced him कॉमा वह तुरंत धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने लगा. he began to speak fluent English. next क्या आप तुरंत ऐसा काम कर सकते हैं. तुरंत at once. क्या आप तुरंत ऐसा काम कर सकते हैं. कैन यू डू ऐसा काम. क्या आप तुरंत ऐसा काम कर सकते हैं. कैन यू डू सच वर्क तुरंत एट वंस. कैन यू डू सच वर्क एट वंस. इस तरीके से यहाँ पर 5 सेंटेंसेस है जो कि अगेन ट्रांसलेट किया गया है. तो आप लोग भी इस यूज करके ढेर सारा सेंटेंस बनाएं. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट वीडियो.